मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। विनय जाधव जी और वैभव जी ने मुझे एक मैसेज शेयर किया है। न्यूज़पेपर में एक डिटेल आई है मित्रों कि मुक्त विद्यापीठ की जो पदवी है, मुक्त चेह पदवीधर ही, पदवी धारक ही लॉ मंजे कानूनची जो पढ़ाई है, व्यवस्था है, त्याला पण प्रवेश घेऊ शकतात, प्रवेशास पात्र आहे। हे निर्णय कोणाचा आहे? हे निर्णय हायकोर्टाचा आहे, हायकोर्टाचा निर्णय है। मैं आपको बता दूं, पहले भी लॉ की डिग्री करने के लिए हम ओपन यूनिवर्सिटी से जा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने एक रोड़ा बना रखा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन है, अगर आपने 12वीं पढ़ा ही नहीं, 10वीं पढ़ा ही नहीं, तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कैसे किए? और मान लो कर लिए, तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लिए तो जब एडमिशन होता है तो आप जानते हैं 10वीं 12वीं की डिग्री देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो आप दे नहीं रहे तो मैं कैसे आपका लॉ में एडमिशन लूँ? लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ओपन यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है, प्रिपरेटरी एग्जाम होता है, इग्नू BPP लेता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, और एडमिशन के बाद ही ये सब नियम से हुआ है, संयम से, सब तरीके से हुआ है। इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी लॉ में डिग्री, लॉ की डिग्री ले सकते हैं, लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा ओपन से पढ़ने वाला स्टूडेंट जो BA कर रहा है, जो BCom BSc कर रहा है, BCA कर रहा है, आगे की सब पढ़ाई ओपन यूनिवर्सिटी समझो, रेगुलर यूनिवर्सिटी समझो, विदेश जाना है, कहीं भी जाना है, कर सकता है। यह रूल है, ये पहले भी यूनिवर्सिटी ने कह लिया है, UGC ने कहा है, चूँकि UGC की मान्यता है। यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी दो तरीके की शिक्षा देती है, एक तो डायरेक्ट जाकर के पढ़ाई करो, एक घर बैठ के पढ़ाई करो, या संडे संडे आकर, जिसे ओपन लर्निंग हम कहते हैं। तो अब क्या है, मुंबई शोभा और स्नेहा भीमराव बुद्धिवंत यानी केरला याचिका पर उन्होंने याचिका दायर कर दिया, मुझे क्यों नहीं देंगे? सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायालय मकरंद कर्डिक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला। मुंबईतील न्यू लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी, कौन सा कॉलेज? न्यू कॉल में शोभा यांनी अर्ज केली होती, मात्र बार काउंसिलच्या नियमावर बोर ठेव, उनका एक नियम है, बार काउंसिल का भी एक नियम है, उस नियम को ध्यान में रख करके प्रवेश के लिए उन्हें अपात्र कर दिया गया। याचिका कब की है? 2014 की गई थी। तिचा जूनमध्ये दिलेला निकाल आता उपलब्ध झाला। अब ऐसा आया, शोभा यांनी अजूनही प्रवेश घेण्याची इच्छा असेल तर आगामी शैक्षणिक वर्षात त्यांना प्रवेश देण्यात या। अभी 14 में कंप्लेंट की गई थी, याचिका दायर की गई थी, 19 आ गया। अगर आप 19 में भी जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रवेश देण्यात यावा, दीजिए प्रवेश। शोभा 1990 में इयत्ता 10वीं उत्तीर्ण झाला, मात्र 1992 त्या इयत्ता 12वीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाला। नंतर बऱ्याच वर्षांनी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्रमुख विद्यापीठातून 2005 BA पदवी मिळवली। त्या 12वी उत्तीर्ण नसलेल्या नियमानुसार प्रवेश परीक्षा घेऊनच मुक्त विद्यापीठ, प्रिपरेटरी की बात यहाँ कर रहे हैं मित्रों, प्रिपरेटरी का हल्का मत समझिएगा। अगर आप प्रिपरेटरी देकर के 12वीं BA का फर्स्ट ईयर कर लेते हैं BCom का, तो आप 12वीं उत्तीर्ण माने जाते हैं। मैं इसका एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने 2016 GS जगदीशन यांना प्रकरणात नेमक्या याच मुद्द्यावर असाच निकाल दिला होता। देखो, हर जगह ओपन यूनिवर्सिटी होती है और हर जगह ओपन यूनिवर्सिटी का नियम लगभग सेम होता है। तो मद्रास चेन्नई में भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी यही निर्णय दिया गया था कि स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारा सबका बराबर का, और कोई हमें रोक नहीं सकता। अब आगे पढ़ा दिया, सुनावणीत शोभा यांच्यासाठी ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी बार काउन्सिल तर्फे ॲडमित कुमार शाले यांनी, तर मुंबई विद्यापीठ रुई रॉड्रिग्ज यांनी काम पाहिले। अब मैं एक शेयर और करता हूँ न्यूज़ आपसे, उसके बाद कुछ और आपकी एडमिशन की लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा, या मैं एडमिशन के बारे में बताऊंगा, एटीकेटी डेट के बारे में बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो बता दूं कि आप नासिक पेज नंबर 3 पर नासिक मेन में अगस्त 7 में देख सकते हैं, और ई पेपर भी उपलब्ध है, और यह वीडियो ही काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। लोकमत न्यूज़, लोकमत पेपर का यह रिजल्ट है, न्यूज़ है, तो आप बिल्कुल इसको पूरी तरह से संवैधानिक मान सकते हैं। इस तरह से मित्रों, एक शोभा नहीं, हजारों शोभा ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लड़ नहीं सकते, जो बच्चे आगे जा नहीं सकते, जिन बच्चों को संवैधानिक चीज़ें कम पता है, कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कौन सर पचड़े में पड़ेगा, छोड़ो जाने दो, मैं और कुछ कर लूँगा फिर। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप YCM की डिग्री, इग्नू की डिग्री,
उतनी ही वैलिड है जितना कि मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप बीए करने के बाद डायरेक्ट एलएलबी में इंटरेस्ट दीजिए। अगर पास हो रहे हैं तो कोई एडमिशन से नकार नहीं सकता, नकारता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करने का वचन देता हूँ।